शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है किस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की से नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिन्दुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से उसका इससे बहुत बड़ा तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है किस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की से नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ तीन महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस वोट को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाए। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से उसका इससे मैं बहुत बड़ा आरोप, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।